आजकल के लोग शुगर फ्री के चक्कर में हेल्थ कॉन्शियस होकर मिठाइयों को अवॉइड करते हैं, ठीक भी बात है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ आपकी सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद होती हैं। कौन सी हैं वो मिठाइयाँ? जैसे कि रसगुल्ला या छेने की मिठाइयाँ। जी हाँ गाइज, रसगुल्ला या छेने की मिठाइयाँ आपकी आंखों की जलन को कम करती हैं, इनफैक्ट आपकी आंखों के पीलेपन को कम करती हैं और उन्हें सुरक्षित बनाए रखती हैं। क्या इसके पहले तक रसगुल्ला या छेने की मिठाइयों की ये विशेषता आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबड़ों के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ उसे खाता नहीं है। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को वो इजिप्शियन प्लोवर बर्ड अंदर जाके चुप चुप के खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं। अब इससे मगरमच्छ को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है, और इसी वजह से मगरमच्छ उसको हार्म नहीं करता। गाइस, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 PSI की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है, और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा की हवा ना भरें। गाइज, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। 2006 से पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल किया जाता था, और तब गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट सेट होता था। लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को लगभग बर्बाद ही कर दिया था, जब उसने गूगल सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट से हटाकर अपने सर्च इंजन बींग को यूज करना शुरू कर दिया था। तब गूगल को 300 मिलियन यूजर्स का नुकसान हुआ था। गाइस, अगर तब सुंदर पिचई गूगल में ना होते तो शायद आज गूगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि तब सुंदर पिचई की अगुवाई में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉन्च किया था, जो कि आज दुनिया का नंबर वन वेब ब्राउजर है। गाइस, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी सांप को चीखते या चिल्लाते देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामाडुगु इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप चीखता और चिल्लाता दिखाई दे रहा है। पर क्या ये वीडियो सच है? अब इसी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो मामला गड़बड़ाते देख वहां के एक शख्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने ये वीडियो एक ऐप से डाउनलोड किया था, और फिर उसके बाद अपनी आवाज देके उसे एडिट किया, लोगों के साथ शेयर किया और झूठी कहानी भी बनाई। उसके बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की और अगली बार ऐसा करने पर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। अगर आप भी ऐसा कोई फेक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो प्लीज इससे बचिए, क्योंकि बेवजह आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। गाइस, इसके पहले तक ये बात आपको पता थी, और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई बाप अपने बेटों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं, और उन्हीं में से एक है वियतनाम का ये शख्स, जो कि पेशे से वुडवर्कर है। अब एक दिन उसके छोटे से बेटे ने लैम्बोर्गिनी मांग ली। अब शायद ये शख्स लैम्बोर्गिनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन 65 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वुड से, यानी कि लकड़ी से, लैम्बोर्गिनी बना डाली, और उस लैम्बोर्गिनी का नाम इसने रखा सियान रोडस्टर। गाइस, सोशल मीडिया पे इसकी कलाकारी की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यूट्यूब का खुद का चैनल भी, जिसका नाम है एनडी वुड वर्किंग। आप वहां जाकर और भी वुड कार्स देख सकते हैं और इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसकी कलाकारी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।